हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटियां यानी कि जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर बी टाउन की सबसे बेस्ट सिस्टर्स मानी जाती हैं। जाह्नवी कपूर ने अपनी शानदार अदाकारी से फिल्मी इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई हुई है, वहीं दूसरी ओर खुशी कपूर भी जल्द ही फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार है। और इस बीच जाह्नवी कपूर ने उस अफवाह पर चुप्पी तोड़ी है जिसमें एक बड़ा दावा किया गया था कि जाह्नवी और खुशी ने एक ही लड़के को डेट किया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कुछ दिनों से दोनों बहनों का एक ही लड़के को डेट करने की अफवाह चल रही थी, जिस पर अब जाह्नवी कपूर बोल पड़ी है। दरअसल मौजूदा समय में जाह्नवी कपूर अपनी आने वाली फिल्म मिली के प्रमोशन में जुटी हुई है और इस बीच जाह्नवी ने उस अफवाह पर खुलकर बात भी कर ली है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जाह्नवी और खुशी कपूर ने एक ही लड़के को डेट किया है। जाह्नवी कपूर ने बताया कि ऐसा कहा जा रहा है कि मैंने अक्षत राजन को डेट किया है, जो कि मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन मेरे और अक्षत के ब्रेकअप के बाद मेरी बहन खुशी कपूर ने अक्षत राजन को डेट करना शुरू कर दिया। ये सुनने में कितना अजीब लगता है। सच्चाई तो ये है कि बचपन से अक्षत सिर्फ मेरा और बहन का अच्छा दोस्त है और इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं था और ना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन फिल्मों में जाह्नवी कपूर नजर आएंगी। तो आने वाले समय में जाह्नवी कपूर कई फिल्मों में नजर आने वाली हैं। जाह्नवी कपूर की अगली फिल्म मिली है, जो कि अगले महीने 4 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। और इसके बाद जाह्नवी कपूर फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही में एक्टर राजकुमार राव के साथ दिखाई देंगी। वहीं बॉलीवुड सुपरस्टार वरुण धवन के साथ जाह्नवी फिल्म में बवाल में नजर आएंगी। दूसरी ओर खुशी कपूर डायरेक्टर जोया अख्तर की द आर्चिस से अपना डेब्यू करेंगी। ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर अगले साल रिलीज होगी।